Hello learners, how are you? I do hope you people would be fine. I am Muhammad Oman Faisal and today you would learn with me the topic of article, its filling, its correction, and also we would do a lot of practice and would try to learn, try to dig deep into the article and how to fill it and how to use it. So let us start it. First of all, as you people know that articles are basically of two categories, indefinite articles and definite articles. Indefinite articles are A and definite articles is the. And when are they used? Let us see. Definite article means the is used to specify things or the nouns that are already known, and indefinite articles are used with unspecified or unknown things. You can see from the example, he is the boy who met me, or he is a boy. In first example, you can see the boy is specific because he is the same boy who met me. So it means it is a specific boy or the boy is already known to me. But in the second sentence, written under the indefinite article category, you can see the sentence is, he is a boy. And here the boy is not made known or the boy is not made specific. So we can say that we have to use indefinite article are here. Let us start our practice questions. And before practice questions, there is a suggestion written here for you people. Pause every slide. Means jab bhi aapke samne ek sentence aayega bhi practice ke liye, to aapne usko pehle pause kar lena hai. Khud uska answer sochna hai thodi der ke liye, and then aapne aage usko continue karke answer lena hai, uske explanation samajhni hai. Let us. लें जी, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस आ गया है प्रेपोजिशन आर्टिकल की फिलिंग के लिए. तो इट इज़ डैश ऑनर फॉर मी टू डू दिस. हियर वी हैव थ्री ऑप्शंस, द ऑनर, आ ऑनर, एन ऑनर. याद रखिएगा, सबसे पहले अपने दा का ही सोचना है डेफिनेट आर्टिकल का. अगर स्पेसिफाई हुआ तो हमें ए और एन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यू कैन सी कि किसी स्पेसिफिक ऑनर की बात तो हो ही नहीं रही. इट मीन्स बस सिंपल ऑनर है, अनस्पेसिफाइड है, हमें ए और एन की तरफ जाना है. और अगर मैं लगाऊं तो मुझे इट इज़ एन ऑनर लगाना है. और उसकी रीज़न क्या है कि जो ऑनर वर्ड है वो बेसिकली अगर आप देखें तो वो अपने स्टार्ट का वॉल साउंड रखता है. ऑनर ये साउंड जो है वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो वोकल ट्रैक की कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर पैदा हो रही है. आपके लिए इसको और ईजी किए देते हैं कि आप इसको उर्दू में लिख कर देखेंगे. जब ऑनर को उर्दू में लिखते हैं तो आपको ऑनर अलिफ शुरू में लगा नज़र आता है. तो अगर आप किसी भी वर्ड को, किसी भी नाउन को जिसके स्टार्ट में आप ए या एन के लगाने में कंफ्यूज्ड हैं, तो आप उर्दू में लिख कर देख लें. अगर आपको अलिफ साउंड या अलिफ मद्दा या आइन की साउंड मिले तो समझ जाएँ कि वहाँ एन आना है. और अगर वो कोई कॉन्सोनेंट साउंड मिले, मतलब अलिफ, अलिफ मद्दा और आइन के साउंड स्टार्ट में, बिल्कुल जो पहला अल्फाबेट बन रहा होता है वो ना मिले, तो आप आ लगाएं. नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड बाय अम्ब्रेला फॉर योर सेल्फ. यहाँ क्या कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला है? नहीं, तो दा तो नहीं आएगा. बस आपने कोई अम्ब्रेला खरीदनी है. कोई अम्ब्रेला मीन्स एनी अनस्पेसिफिक. तो अम्ब्रेला जो स्टार्ट में वॉल साउंड रखता है तो एन अम्ब्रेला. आप लुक के भी देखेंगे तो आपको अलिफ मिलेगा. वेयर इज डैश अम्ब्रेला यू बॉट. अब गौर करें, यहाँ अम्ब्रेला स्पेसिफिक हो गया. यू बॉट, जो तुमने खरीदी, दैट मीन्स टू से कि ये अम्ब्रेला स्पेसिफिक है. तो वेयर इज द अम्ब्रेला. और हमें अब ए और एन का सोचने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने डेफिनेट आर्टिकल का ही सोचना है. नेक्स्ट आते हैं जी, ही इज डैश एमबीबीएस डॉक्टर. अब एमबीबीएस का एम देखकर तो हमें वाजे लग रहा है कि शायद ये हमारा जो है वो ए लेगा. पहले तो लेकिन दा का सोचते हैं, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो वाला एमबीबीएस डॉक्टर. स्पेसिफाई तो नहीं है, बस एमबीबीएस डॉक्टर तो कई होते हैं, तो दा तो नहीं आना. अब ए और एन में से अगर मैं गौर करूँ तो एम को जब मैं लिख कर देखूंगा तो अलिफ साउंड मुझे शुरू में मिलेगी. तो इट मीन्स एम, देखो मैं मूवमेंट बोलता हूँ तो स्टार्टिंग साउंड माँ है, और लिख के भी देखूँ उर्दू में तो मीम साउंड आ रही है. लेकिन एन एमबीबीएस डॉक्टर जब मैं बोलता हूँ तो इसलिए बोलना पड़ेगा मुझे एन एमबीबीएस के, जब मैं एमबीबीएस को लिखूंगा तो ज़ाहिर है अलिफ साउंड. तो ये लिखने वाला जो तरीका है ये एक तरह से आप कह लें कि एक जुगाड़ है, और कुछ नहीं. अदरवाइज तो ज़ाहिर है वॉल साउंड जो हमारे वोकल ट्रैक्ट से बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के पैदा हो रही हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ वहाँ कहीं ना कहीं हमारे वोकल ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, और ज़रा बच्चों के लिए ज़रा ये मुश्किल होता है. तो हम उनको एक सिंपल तरीका देते हैं कि आप उसको लिख कर देखें. जब आप एमबीबीएस लिखते हैं तो अलिफ आप साउंड में लेकर आ रहे हैं, इट मीन स्टार्टिंग साउंड वॉल ही है.
ओके, सिंध इज डैश लार्ज रिवर। ज़ाहिर है हम रिवर की बात कर रहे हैं तो दा सिंध तो आना ही आना है क्योंकि रिवर्स अपने साथ दा लेते हैं। एंड यस द सिंध इज़ अ लार्ज रिवर। ओके डैश सिंध इज डैश लार्जेस्ट रिवर, दा सिंध तो आना ही है और लार्जेस्ट चूँकि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमारा दा ही आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ही मेट मी डैश ईयर अगो। क्या मैं कोई स्पेसिफिक ईयर्स की बात कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, ईयर स्पेसिफाई नहीं हुआ, दा तो नहीं आएगा। अब आज ईयर और एन ईयर, याद रखिएगा स्टूडेंट प्रोनंसिएशन ईयर है, ईयर नहीं है। तो ज़ाहिर है ईयर प्रोनंसिएशन है तो एन तो बिल्कुल नहीं आएगा, आ ईयर अगो हमारा आंसर है। स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर डैश एक्टिव लाइफ, द एक्टिव लाइफ। क्या एक्टिव लाइफ तो हर शख्स जी सकता है जो अच्छा सोता है। इट मीन्स ये कोई एक्टिव लाइफ यहाँ स्पेसिफाई नहीं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर लाइफ स्पेसिफाई हो गई है, हमने कह दिया कि एक्टिव लाइफ है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव लाइफ नाउन है, एक्टिव उसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको स्पेसिफाई नहीं करता। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, तो बॉय का पता है वो गुड है तो स्पेसिफाई फिर भी नहीं है। फिर भी मैं द गुड बॉय नहीं कह रहा, ही इज़ आ गुड बॉय कह रहा हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंपल आ जाना उसको स्पेसिफाई नहीं करता। गुड बॉयज़ तो बहुत सारे होंगे, अगर वो कोई एक ही है, कोई स्पेसिफिक ही है, तो उसके साथ हम दा लगाएंगे ही इज़ द गुड बॉय हु बिहेव्स वेल। अब कोई एक ही है जो कि बाकी सब में जो कि अच्छा बिहेव करता है, तो ही इज़ वन ऑफ अदर्स मीन्स बाकी भी ऐसे ही हैं, तो लाइफ भी जो है एक्टिव हो जाती है, हर उस शख्स की एक्टिव होगी जी जो अच्छी नींद लेगा। तो स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर एन एक्टिव लाइफ। सन मून जो हैं अपनी किस्म के एक है, और स्काई है जैसे यूनिवर्स है जैसे, तो ज़ाहिर है दा लेंगे लेंगे। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट एक डायरेक्शन है, और जब ईस्ट वेस्ट साउथ जो हैं वो एज डायरेक्शन नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं तो हम उसके साथ दा लेते हैं। यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि ए एन और दा बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं, मतलब ये आर्टिकल्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं, तो ये किसी ना किसी नाउन के साथ आती हैं। ये नाउन के अलावा किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इनको फिल या फिट किया नहीं जा सकता। खैर नेक्स्ट पे आते हैं जी, नंबर 10 पे, देर वॉज डैश वन नाइट बैगर। वन नाइट उसकी क्वालिटी और भी बात हुई कि क्वालिटी पर्टिकुलर नहीं करती, दा तो नहीं आएगा। और आ वन नाइट या एन वन नाइट तो ओ देखकर तो लग रहा है कि जैसे मैं लगाना चाहूँगा और एन वन नाइट, लेकिन वो कि वन वाव साउंड है, तो वाव साउंड जो है वो किसी सूरत भी वॉल जो है वो साउंड नहीं कहलाएगी, तो इसका मतलब कॉन्सनेंट साउंड ही है। तो आ वन नाइट बैगर, इट इज़ डैश यूनिक अचीवमेंट, इट इज़ आ यूनिक अचीवमेंट। गौर करें यूनिक भी उसकी क्वालिटी और क्वालिटी पर्टिकुलर नहीं करती, और यूनिक को लिख कर देखें तो यह साउंड आएगी पहले, और इट मींस ये आ ही लेगा, एन नहीं लेगा, कॉन्सनेंट साउंड है स्टार्ट में। ही इज़ डैश ऑथर एंड राइट स्टोरी बुक्स। देखने तो लगता है कि स्टोरी बुक्स लिखता है, हमें पता लग गया ऑथर कौन है तो हम दा लगाएंगे, लेकिन गौर कर एंड जो लगा हुआ वो एक अलहदा क्लॉज की तरफ लेकर जा रहा है, तो ये ऑथर के साथ ही अगर लगाया होता कि जो लिखता है कहानियाँ, हु राइट स्टोरी बुक्स, तो मैं कहता जी ऑथर को डिफाइन किया जा रहा है तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, तो ऐसा केस नहीं है। तो ही इज़ एन ऑथर ही चाहिए हमें, वो एक लिखारी है और स्टोरी बुक्स लिखता है, और की वजह से स्टोरी बुक्स एक अलहदा क्लॉज में चला गया और ऑथर अपने इस क्लॉज में स्पेसिफाई नहीं है। आई मेट डैश ऑथर ऑफ दिस बुक, यहाँ स्पेसिफाई है द ऑथर ऑफ दिस बुक। अब देखिए वो इस बुक का ऑथर है, अब एक ही ऑथर रह गया तो ज़ाहिर हमें दा लगाना ही पड़ेगा, इसका मतलब वो स्पेसिफाई हो चुका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो मैं कहूँगा जी अब बॉय शुड कम विद मी, तो ज़ाहिर वो काफ़ी लड़के वन ऑफ देम और लड़का ही एक बैठा हो, तो क्या मैं ये कहूँगा बॉय शुड कम विद मी, मैं जी ये कहना पड़ेगा द बॉय शुड कम विद मी। रीज़न क्या, अब रह ही एक गया, अब ऑथर इस बुक का ज़ाहिर कोई एक ही है तो वो रह ही एक गया तो दा आना ही आना है। नेक्स्ट देखें जी, प्लीज सिट इन डैश सेंटर ऑफ डैश बोर्ड। अगर अच्छा मैं अगर कहता हूँ जी स्पेसिफाई नहीं है तो इन आ सेंटर के किसी भी सेंटर में बैठ जाओ, क्या बोर्ड के काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं, क्योंकि जब हम ए या एन लगाते हैं तो वो वन ऑफ मैनी का मीनिंग होता है, तो इट मीन्स ए एन तो नहीं आ सकते, सेंटर एक ही है, ज़ाहिर स्पेसिफिक है, नोन हो गया, तो द सेंटर ऑफ यस। मैं किसी को कह रहा हूँ कि बोर्ड के सेंटर में बैठो तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी भी बोर्ड के, इसका मतलब बोर्ड भी स्पेसिफिक है, तो द बोर्ड। यस यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पेस, तो यूनिवर्स ज़ाहिर है वो भी एक ही है जी, तो जो एक ही हो, और वैसे भी हमने स्काई मून यूनिवर्स जो इस कायनात में यूनिक एंटिटीज हैं वो दा लेंगी ही लेंगी, तो यहाँ हमारा यूनिवर्स के साथ दा ही आना है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ये करेक्शन के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो वीनस इज दी ओनली सिटी, और दूसरे जुमले में है वीनस इज ओनली सिटी, एंड नाउ वी आर टू फाइंड वीनस इज दी ओनली सिटी
इन द वर्ल्ड कम्प्लीटली फ्री ऑफ एन ऑटोमोबाइल और वीनस इज ओनली सिटी। गौर करें ये अब एक ही शहर है और जो रह ही एक जाए इट मीन्स वो स्पेसिफिक ही है। तो वीनस इज द ओन। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ही गॉट आ फर्स्ट प्राइज, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऑर्डिनल्स होते हैं, मतलब ये ऑर्डर शो करते हैं, और अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर आते हैं तो ये दा जरूर लेते हैं। यस, तो प्राइज यहाँ नाउन है तो फर्स्ट उसका एडजेक्टिव है, तो द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट आते हैं जी, द स्टीम इंजन वॉज डिवेलप्ड इन द 18th सेंचुरी। द स्टीम इंजन वॉज डिवेलप्ड इन 18th सेंचुरी, तो इन द 18th सेंचुरी हमारा आंसर है, क्योंकि सेंचुरीज के साथ और डेकेड्स के साथ दोनों के साथ आना है, इन द 80s, इन द 90s, इन द 70s, और इस तरह सेंचुरीज आ जाए तो इन द 19th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, ऑल द आर्ट इज इंटरेस्टिंग या ऑल आर्ट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, ऑल द और ऑल का फ़र्क ध्यान में रखिएगा। जब मैं कहता हूँ ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल स्टूडेंट्स, तो बड़ा फ़र्क है। ऑल द स्टूडेंट्स मतलब मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मखसूस, और अगर ऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं जनरली सारे दुनिया के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ जी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, तो ये पर्टिकुलर है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ऑल स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, तो इट मीन्स मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जहाँ भी हों वो सवाल पूछते पूछते हैं। तो यहाँ भी देखें, ऑल द आर्ट और ऑल आर्ट में हमें फ़र्क चाहिए, तो मैं क्या किसी पर्टिकुलर आर्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो सब आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो ऑल आर्ट इज़ इंटरेस्टिंग हमारा आंसर होना चाहिए। मतलब ये जस्ट बैक्टीरिया एग्जिस्ट एवरीवेयर इन नेचर इन द नेचर। अब इन नेचर और इन द नेचर में फ़र्क क्या है जी? देखें, जो नेचर है इसका एन कैपिटल यहाँ लिखा भी हुआ है, ये जो हमारे की फितरत है, कायनात, चरिंद परिंद, द प्लांट, सी, वाटर, अर्थ, sky, everything created by Allah Almighty around us, that is basically that make nature. तो इस nature के साथ हम दा, जो अल्लाह की बनाई हुई जो फितरत है इसके साथ दा नहीं लगाते। तो bacteria exists everywhere in. A little knowledge is a dangerous thing. देखें, अगर आपने उर्दू का मुहावरा सुना है, नीम हकीम खतरा है जान, तो नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो नीम का मतलब कि जिसके पास थोड़ा नॉलेज है, नीम हकीम है। तो लिटिल का तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है ना, ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट नथिंग। तो थोड़ा सा है तो नीम है, तो अ लिटिल नॉलेज ही आएगा, तो अ लिटिल नॉलेज। नेक्स्ट हमारे पास यस, वॉट जो है वो दा वॉट लेगा यहाँ, और दा वॉट आने की वजह क्या है ये भी ध्यान में रखिएगा। वैसे हम यही कहेंगे कि जैसे ये बल्ब है जी, तो वो एनर्जी सेवर है, वो 23 वॉट्स का है। लेकिन जब मैं वॉट को एक कैटेगरी के तौर पर यूज़ करूँगा, मतलब मीन्स टू से मैं वॉट के ऊपर एक नोट लिखने जा रहा हूँ, तो मैं अपना स्टार्ट करूँगा, द वॉट इज़ नेम्ड आफ्टर जेम्स वॉट द ब्रिटिश इंजीनियर, द वॉट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेजर द यूसेज ऑफ करंट, द ब्लाम ब्लाम। आप इस तरह जब उसके ऊपर एक नोट लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको प्योरली एक यूनिट यूज़ कर रहे हैं कि ये 3 वॉट्स हैं, 7 वॉट्स हैं, 10 वॉट्स हैं, 1 वॉट है, तो आप उसके साथ अब दा नहीं लगा रहे होते। अच्छा, ऐसे हम करेंसी के साथ भी करते हैं, तो मैं यूएस डॉलर्स कहता हूँ तो नहीं कह रहा, लेकिन डॉलर एक वाइडर टर्म में यूज़ करूँगा कि दा डॉलर इज़ दी करेंसी यूज्ड इन मैनी कंट्रीज, तो दा डॉलर इज़ यूज्ड इन मैनी कंट्रीज, द रुपी इज़ यूज्ड इन मैनी कंट्रीज इन एशिया, द रियाल इज़ यूज्ड इन मैनी कंट्रीज इन गल्फ रीजन। तब हम करेंसीज के साथ भी एक वाइडर सेंस में दा लेते हैं। तो इस तरह ही हम ये जो यूनिट्स होते हैं हमारे एसआई सिस्टम के, ये भी अपने साथ दा लेते हैं अगर हम इनको एक कैटेगरी के तौर पर देते हैं, नॉट एज ए ओनली आई। नेक्स्ट है जी, मेथेन इज़ ऑर्डरलेस गैस एंड इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ नेचुरल गैस। इज़ ऑर्डरलेस गैस, देखिए गैस की प्लूरल गैसेज होती है, ऑर्डरलेस उसका एडजेक्टिव है। जैसे मैं अगर किसको कहता हूँ ही इज़ गुड बॉय, तो गलत है, क्योंकि गुड बॉय में देखो बॉय काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर शेप में आता है तो वो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर लेगा ही लेगा। तो ही इज़ गुड बॉय गलत है, ही इज़ आ गुड बॉय, तो ऑर्डरलेस गैस भी गलत है, एन ऑर्डरलेस गैस हमारा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जी, द अल्कोहल एक्ट्स एज नारकोटिक ऑन द नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन। द गलती आप अगर फाइंड करें तो अल्कोहल देखें यहाँ स्पेसिफाई नहीं की जा रही कि कौन सी अल्कोहल तो बहुत सारी टाइप्स की भी हैं। अल्कोहल जो है वो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो एक जो है वो लिक्विड है, एक केमिकल है,
जो कि हर एक बेवरेज के तौर पर लोग ड्रिंक भी करते हैं। मीन्स टू से कि हम यहाँ उसको जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो नर्वस सिस्टम और ब्रेन पर जो है वो अफेक्ट करती है, एक्ट करती है, तो हम किसी स्पेसिफिक अल्कोहल की बात नहीं कर रहे, तो ध्यान नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ज़ाचरी टेलर वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम द वेस्टर्न स्टेट। तो द वेस्टर्न स्टेट तो ठीक हो गया, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट में देखें तो फर्स्ट एडजेक्टिव है, प्रेसिडेंट नाउन है उसका, तो जब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी बात हुई थी ऑर्डिनल्स के तौर पर आएंगे तो वो दा लेंगे ही लेंगे, तो दा फर्स्ट आना था जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ऑफ ऑल द बॉयज मोजम इज स्ट्रांगेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री आ गई जी हमारी, स्ट्रांगेस्ट हर सूरत अपने साथ दा लेगी, दा स्ट्रांग। मिस्टर चिप्स रिटायर्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। अच्छा जी, इसमें दा तो ठीक है, वर्ल्ड वार टू एक हिस्टोरिकल इवेंट है तो दा वर्ल्ड वार ही आना है, लेकिन देखिए चूंकि वो एक हिस्टोरिकल इवेंट का नाम है तो वर्ल्ड वार टू के तीनों जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटलाइज होने चाहिए थे, तो दा वर्ल्ड वार टू में कैपिटलाइजेशन है ओनली, वरना दा की कोई गलती नहीं। अगर कोई शख्स आर्टिकल का टॉपिक कर रहा होगा जी मैं दा उतार दूँ, तो आप हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं उनके साथ नहीं। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास, द मुस्लिम्स आर बींग सस्पेक्टेड इन यू एस ए। मुस्लिम्स ज़ाहिर नेशन है, नेशन के साथ दा आता है, अल्फ़ा में ठीक लगा हुआ है। यू एस ए कंट्री है जिसके साथ दा आना है क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इस तरह यू के साथ भी आता है, यू ए के साथ भी आता है, सूडान और कॉन्गो जैसे कंट्रीज़ के साथ भी हम दा लगाते हैं, तो इन द यू एस ए। अच्छा, इसके साथ साथ हम फिलीपींस, मालदीव, नीदरलैंड इन सब के साथ भी दा लगाते हैं, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने साथ दा लेते हैं, तो द यू एस ए। वैलेंटाइन डे इज ऑन 14th of February। ओके, तो यहाँ हमें देखना है कि वैलेंटाइंस डे जो है वो 14th February को है, तो क्या दा वैलेंटाइंस डे करें? नहीं सर, वो तो वैलेंटाइन डे है, उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम गौर करें 14th एक हमारा वाज तौर पर जो नज़र आ रहा है वो एक ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल अपने साथ दा लेते हैं, तो ऑन द 14th of द शुगर इज सोल्ड बाई किलोग्राम्स। अच्छा जी, अब आते हैं तो दा शुगर। शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, दा हर ए एन तो बिल्कुल नहीं लेगा, लेकिन इधर लगा हुआ है दा शुगर, तो क्या मैं किसी स्पेसिफिक शुगर की बात कर रहा हूँ? नहीं, तो दा भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक द इंग्लिश। अच्छा, गौर करें, मैं लर्न के साथ तो हमारा बिल्कुल ठीक है कि लर्न जब आप करते हैं तो ज़ाहर है उसके बाद आप हाउ प्लस इन्फिनिटिव, मतलब हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी ही आनी है। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेजेस के साथ हम दा पुट नहीं करते होते, तो हमारा ये सही गलत हुआ, तो आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, अब एक जो है याद रखिएगा, अगर लफ्ज़ इंग्लिश नेशन के तौर पर आए तो द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मैनी ईयर, तो द इंग्लिश वो अंग्रेज़ का मीनिंग है, नेशन का मीनिंग है, तो तब वो दा आना है। लेकिन लैंग्वेज जैसे उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, ये अपने साथ दा या इंग्लिश नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द न्यू आइलैंड वॉज द आइडियल प्लेस फॉर अस। देखिए, द न्यू आइलैंड एक नया आइलैंड आ गया, वॉज द आइडियल प्लेस, तो हम उस आइलैंड पर जा चुके हैं, इसका मतलब वो आइलैंड को हम जानते हैं, वो हमारे लिए आइडियल प्लेस है, तो द न्यू तो आना ही आना है, लेकिन दी आइडियल प्लेस नहीं हम लगाएंगे, वाज एन आइडियल प्लेस फॉर अस, मतलब आप बहुत सारी प्लेसेस देख चुके थे, उनमें ये कोई एक है, तो इट इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर अस जी। नेक्स्ट आ गया, द मोस्ट कोरल आइलैंड्स डिवेलप फ्रॉम रीफ्स। डिवेलप ठीक है, फ्रॉम रीफ्स भी ठीक है, तो द मोस्ट कोरल आइलैंड में देखो तो द मोस्ट अपनी हैपनिंग में बड़ा जो है वो अजीब है, तो हमारा असल सेंटेंस बनना था मोस्ट ऑफ द कोरल आइलैंड, मतलब उन काफ़ी सारे कोरल आइलैंड, तो द मोस्ट हमारी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती। नेक्स्ट आ गया जी, व्हेन द आइलैंड ऑफ सर्टसी वाज 18 मंथ ओल्ड अ फर्स्ट ग्रीन प्लांट अपीयर। ओके, तो व्हेन द आइलैंड ऑफ सर्टसी वाज 18 ईयर ओल्ड अ फर्स्ट ग्रीन प्लांट, तो फर्स्ट प्लांट, फर्स्ट ग्रीन प्लांट, तो फर्स्ट एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो, ज़ाहिर है अपने साथ दा लेते हैं, तो दा फर्स्ट ग्रीन प्लांट ही हमारा आंसर आना था। नेक्स्ट आ गए, आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ
यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट अभी बात हुई, कुछ कंट्रीज अपने साथ दा लेते लेते हैं, तो दा यूनाइटेड स्टेट्स ही आंसर आ। बर्ड फ्लू इन टू द क्लासरूम। देखें बर्ड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल है, तो सिंगुलर काउंटेबल जो है वो कम अज़ कम जो भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा वो कुछ और ले ना ले डिटर्मिनर कोई ना कोई तो लाजम आएगा, और इट मीन्स वो हम ए और एन के बगैर या दा के बगैर तो नहीं जाएंगे। अगर तो स्पेसिफिक वर्ड है तो दा लगा दे, वरना ए और एन के बगैर तो हम जा ही नहीं सकते। तो आ बर्ड फ्लू इन टू द क्लासरूम। अच्छा गौर करें, मैं अगर कहता हूँ आई एट एप्पल तो गलत है, मुझे पता है कि चलो एप्पल स्पेसिफिक तो नहीं है कि कौन सा खाया, लेकिन कम अज़ कम लफ्ज़ एप्पल सिंगल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, मैं बगैर डिटर्मिनर के नहीं जा सकता, तो आई एट एन एप्पल। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जी। ही इज़ अ बेटर पोइट दैन ड्रामेटिस्ट। चार हमारे पास इसके डिफरेंट वेरियंट सेंटेंसीज हैं, और यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ अ बेटर पोइट, अल्फा कह रहा है दैन ड्रामेटिस्ट। ही इज़ अ बेटर पोइट दैन आर ड्रामेटिस्ट। ही इज़ बेटर पोइट दैन ड्रामेटिस्ट। ही इज़ द बेटर पोइट दैन ड्रामेटिस्ट। ओके आते हैं डेल्टा की तरफ से आते हैं, तो डेल्टा तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पोइट और ड्रामेटिस्ट को यहाँ किसी सूरत भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा गया। चार्ली में पोइट और ड्रामेटिस्ट चलो स्पेसिफाई नहीं है, तो कम से कम सिंगुलर काउंटेबल तो है, और हमने अभी सीखा पिछली सारे प्रैक्टिस में सिंगुलर काउंटेबल है तो बगैर डिटर्मिनर या बगैर आर्टिकल के तो नहीं जाएगा, तो सी में लगा ही नहीं, गलत। अब अल्फा और बीटा में असल में कॉम्पिटिशन है कि आ बेटर पोइट एंड ड्रामेटिस्ट एंड आ बेटर पोइट एंड आर ड्रामेटिस्ट। अच्छा मैं आपको बैक पे लेके चलता हूँ, ने अपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट्स में पढ़ा हुआ है कि माय फ्रेंड एंड ब्रदर, तो वो एक ही शख्स है, वही भाई है और वही दोस्त है। तो अगर कहते हैं माय फ्रेंड एंड माय ब्रदर, तो इसका मतलब वो दो लोग हैं, फ्रेंड और हर ब्रदर और है, तो माय फ्रेंड एंड ब्रदर इज़ कमिंग और माय फ्रेंड एंड माय ब्रदर आर कमिंग दो हो गए। अब इसका मतलब है कि आ बेटर पोइट एंड ड्रामेटिस्ट तो वो एक ही रह जाता है, और आ बेटर पोइट एंड ड्रामेटिस्ट वो दो हो जाते हैं। आइए इस जुमले में ज़रा और डूबते हैं। ही जो है वो दो आस्पेक्ट्स रखता है, वो पोइट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, ठीक हो गया। समझ लो कहें शेक्सपियर को ले लेते हैं, शेक्सपियर पोइट भी है ड्रामेटिस्ट भी है, तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ड्रामेटिस्ट होना और एक पोइट होना, तो सारे उसके एस्पेक्ट्स तो दो हैं ना, तो वो पोइट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, तो उन दोनों एस्पेक्ट्स को अलग-अलग जब मेंशन किया जाएगा तो दोनों अलग-अलग आर्टिकल्स भी लेंगे। एंड येस आवर करेक्ट आंसर इज बीटा, ही इज अ बेटर पोइट देन अ ड्रामेटिस्ट। ओके जी हमारे पास क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट, एमडी का 2014 का है। द थ्री अब्दुलरहमान लाइक हिज इलस्ट्रियस प्रीडिसेसर वाज अ यंग मैन ऑफ 23 व्हेन ही टुक ऑफिस। अब गौर कीजिएगा तो हमें गलती शुरू में मिल रही है, द थ्री अब्दुलरहमान, अब तीन अब्दुलरहमान तो नहीं थे, इसका मतलब तीसरा अब्दुलरहमान होगा, तो फर्स्ट अब्दुलरहमान वो डायनेस्टी है, असल में ये उमैया डायनेस्टी है जो स्पेन में थी, तो उसमें जो अब्दुलरहमान उसका फर्स्ट अब्दुलरहमान जो वन था वो उसका फाउंडर था स्पेन में, तो ये थर्ड अब्दुलरहमान था जो 912 में आया था, तो वो थ्री अब्दुलरहमान नहीं, ज़ाहिर है अब्दुलरहमान है तो वो थ्री अब्दुलरहमान तो नहीं कह सकते, थर्ड तो तीसरा, और दा थर्ड इसलिए आना ज़रूरी है, दा तो आना है हाँ, बस थ्री को थर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो अब्दुलरहमान नाउन है, तो थर्ड उसका ऑर्डिनल एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये एम डी कैट 2012 का है जी। माई फादर इज़ एन एस पी ऑफ पंजाब पुलिस, आई एस पी। अच्छा गौर कीजिएगा, अब हमारे पास आ और एन का पहले हम जो है उसी से आई थिंक काम सीधा हो जाना है, गौर कीजिए। तो जब मैं एस पी बोलता हूँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहते हैं, लेकिन जब मैं एस पी एस लिखता हूँ तो स्टार्ट में वॉल साउंड पैदा हो रही है, तो एन एस पी ही ज़ारा हमारा आंसर है। अब लिख कर भी देख ले, एस पी को तो अलिफ लिखेंगे आप शुरू में, तो इट मीन्स आवर आंसर इज हर फादर इज एन एस पी ऑफ पंजाब पुलिस। ओके लर्नर्स, थैंक यू वेरी मच, दैट वॉज ऑल फॉर टूडे एंड फॉर दिस टॉपिक आर्टिकल, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज लर्न विद नुमान फॉर गेनिंग और गेटिंग मोर वीडियोज ऑन ग्रामर एंड गेटिंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर क्यूरीज और योर क्वेश्चंस on my Facebook, you can search me with my name Muhammad Noman Faisal. Thank you learners, thank you very much, so nice of you.